हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर फिंगर लॉक सेट करनी है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगर लॉक सेट कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे आप। सबसे पहले सेटिंग ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नंबर जाता है स्क्रीन लॉक फिंगर लॉक। हम फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपने जो पासवर्ड अपने फ़ोन में सेट कर रखा हो वो आप यहाँ एंटर करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपको जो सेंसर है सिंपली आपको उस पर फिंगर पे अपनी सेंसर पे अपनी फिंगर आपको टच करनी है, रिमूव करनी है, टच करनी है, रिमूव करनी है, टच करनी है, रिमूव करनी है। यही प्रोसेस आपको अपने फ़ोन के अंदर जब तक करते रहना जब तक आपके फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट कंप्लीट कर लेंगे आप। जब तक आपको कंप्लीट नहीं हो जाता सेम प्रोसेस करके अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेट कर लेंगे। अब आपका डन हो जाता है, इसे कर देंगे हम डन। डन करने के बाद फिंगरप्रिंट बन आ चुका है, यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है ऐड फिंगरप्रिंट, तो ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन के अंदर मल्टीपल फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं। एक बार में एक से अधिक फिंगरप्रिंट आप अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप फिंगरप्रिंट लॉक सेटअप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।